टीकमगढ़ जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कलेक्टर सभागार में लंपी वायरस के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस अवसर पर उपसंचालक डेयरी एवं पशुपालन के डॉक्टर डी के विश्वकर्मा, सहायक सूचना अधिकारी जनसंपर्क विभाग टीकमगढ़ सुश्री शेफाली तिवारी सहित संबंधित अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बीमारी के संबंध में आप लोग जागरूकता करने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें और इस महामारी से निपटने के लिए पशुओं की इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन सहित पशुपालन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और इसकी रोकथाम को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जैसा समाचार आ रहे हैं तो उसकी जागरूकता के लिए कैसे हम उन संक्रमित जो पशु हैं उनको पहचाने, नंबर एक, नंबर दो, जो संक्रमित नहीं है उनको कैसे हम उससे अलग रख के उनको सेफ कर लें और जो संक्रमित हो गए हैं उनका कैसे इलाज करके उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें, इसके बारे में आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। और इसके माध्यम से जैसा कि हमारे वेटनरी के एक्सपर्ट्स ने बताया कि यदि कोई दुधारू जानवर संक्रमित होता है, गौवंशी या भैंसवंशी, तो उसके संक्रमण में अत्यधिक लार आना, हल्का बुखार रहना और उसके शरीर पे उभार आ जाना चने के आकार के और बाद में देश के आकार के, ये संक्रमण की पहचान है। हमारे जिले में भी 3 पशुओं को ये प्रारंभिक रूप से पाया गया है कि ऐसे संक्रमण हैं, ऐसे लक्षण हैं उनके अंदर, तो उनका सैंपल लेके ब्लड का भोपाल भेजा गया है, जैसी रिपोर्ट आएगी तो उसको देख लेंगे। संक्रमित हो गए हैं तो पशुओं को क्वारंटीन करना जिससे कि वो अन्य पशुओं को संक्रमित ना कर सकें, नंबर एक, और नंबर दो, जो उनके संपर्क में पशु आए हैं आस पास के उसी गांव के जितने भी पशु हैं उनको युद्ध स्तर पे हम टीका लगाने की भी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि दूसरे पशु संक्रमित ना होने पाए। सर, मेले और बॉर्डर्स पे आपने रोक लगा दी क्या? हाँ, हमने 144 के अंतर्गत पशुओं के क्रय विक्रय पर अभी जब तक ये चल रहा है क्रय विक्रय पे रोक लगाई है और कोई भी पशु मेला इस अवधि के दौरान हमारे जिले में आयोजित नहीं किया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से जो गौपालक हैं उनसे भी ये अपील है कि वे अपने जानवर की, क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि पशुओं की जितनी भी देखभाल रहेगी, जहां वो बैठते हैं, जहां वो रहते हैं, उसकी साफ सफाई हो जिससे कि मक्खी मच्छर न रहें, दूसरा डिटॉक्स करके जैसा उन्होंने बताया कि 5 लीटर में 5 ml डाल के उससे पशु का शरीर पोंछें जिससे किलनी मक्खी मच्छर उससे दूर रहें, गोबर और इसकी हटाने की व्यवस्था रहे, साफ सफाई बनी रहे, तो स्वच्छता ही इसका बचाव है। अपने जिले में 3 लंपी स्किन डिसीज से ग्रसित पशुओं को पाया गया है, उनके सैंपल हमने भोपाल भेजे गए हैं, लेकिन लक्षण आते ही हमने उन जहां ग्रसित पशु है उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर के भीतर टीकाकरण का कार्य चालू कर दिया है, उसका उपचार करना चालू कर दिया है। पशुपालकों को इसमें जागरूकता लाई गई है कि ये बीमारी कैसे फैलती है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा गया है कि पूरे MP में अभी 26 जिलों में ये बीमारी फैली है, इसका प्रकोप राजस्थान राज्य में ज़्यादा हुआ है, तो इस बीमारी का बचाव अगर करना है तो जानकारी इसके बारे में होना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी जो मच्छर मक्खी खून चूसने वाले पैरासाइट्स रहते हैं उनके काटने से होती है, और पशुपालकों को ये बताया गया है, समझाया गया है कि अपने पशुओं को इनसे दूर रखें, मच्छर मक्खी से दूर रखें और सुबह शाम धुआं करें, अपनी गौशाला की साफ सफाई नियमित करते रहें, और अगर कोई जानवर बीमार मिलता भी है तो हमने पूरे ज़िले में विकासखंड लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, सबके नंबर दिए हैं, सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी जानवर अगर बीमार होता है तुरंत सूचित करें, और एक टोल फ्री नंबर है 1962, आप पशुपालक को भी नंबर डायल करके अपनी बीमारी की जानकारी दे सकते हैं। ये बीमारी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, जागरूकता आने से उसको पशुओं को अपनी सुरक्षा करने से ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, और पूरी बीमारी का ड्यूरेशन 20-25 दिन का रहता है। अगर पशु को बीमार होता है तो 20-25 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, अगर ज़्यादा होता है
तो फिर हम लोग उसके लिए पूरे तक संपर्क में हैं और जो भी बीमार पशु मिलता है उसको उपचार भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। क्या लक्षण है इस बीमारी के? इस बीमारी के लक्षण सबसे पहले जब ये वायरस इसके शरीर में जाता है तो सबसे पहले बुखार आता है, बुखार आएगा, खाना पीना बंद कर देगा और शरीर में छोटे छोटे खुंची टाइप की नोडुल्स हो जाएंगे जो बढ़ते जाएंगे, ये बेर के आकार तक के हो जाएंगे, उसमें धीरे धीरे उसमें मवाद भर जाएगी, मवाद भरेगी फिर वो फूटेगी, फूटेगी तो फिर वो बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, कीड़े पड़ेंगे हैं तो पशु परेशान होगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, लार गिरेगी, खाना पीना बंद कर देगा, कमज़ोर हो जाएगा, इस तरह से जानवर जो है एकदम बेकार हो जाता है। तो पशुपालकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, मृत्यु दर तो 1% ही है, बहुत कम है, लेकिन पशु बेकार हो जाता है। मनुष्यों के लिए और अन्य पशुओं को जानवरों के लिए कई बीमारी नुकसानदायक? देखिए ये बीमारी जो है पशुओं से पशु। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।